बढ़ते अपराध पर एक्शन में दखल एसएसपी पटना के जेपी सेतु पर एसएसपी गरिमा मलिक ने खुद किया वाहन चेकिंग। एसएसपी के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। भागलपुर में शराब, दिन में शराब नहीं पीने को शपथ लेने के बाद खरीक थानाध्यक्ष दिलीप यादव नशे की हालत में चढ़ा एसपी के हाथे, कार्रवाई में जुटे पुलिस। भागलपुर में बिजली की शिकायत करने पर शिकायतकर्ता से जेई ने की मारपीट, घटना से आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने मामले को कराया शांत। भोजपुर में ज्वेलरी दुकानदार से चोरों ने छीने रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की कर रही जांच। मादक पदार्थ निषेध दिवस पर एसएसबी ने चलाया जागरूकता कार्यक्रम, गया जंक्शन पर कार्यक्रम में सेना के जवानों ने लिया भाग, लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 11। आपातकाल के 44 साल पूरे होने पर इसके विरोध में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में काला दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इधर सहरसा में जेडीयू नगर इकाई ने सदस्यता अभियान का आयोजन किया और इस दौरान युवा नेता घनश्याम चौधरी ने जेडीयू की क्रियाशील जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता ग्रहण की है और आपको बता दें कि इस मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रमों में और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का 8 जून 2019 से पूरे बिहार में सदस्यता अभियान चल रहा है। 22 जून तक जितने भी साथी क्रियाशील सदस्य बन चुके हैं या साधारण सदस्य की सदस्यता ले लिए हैं जिले में विभिन्न पंचायतों में विभिन्न वार्डों में, और 22 जून के बाद जो भी साथी बच गए थे तो पार्टी उसके लिए 22 जून से विशेष सदस्यता दिवस के रूप में एक अभियान चला रखा है। उसी कड़ी में आज हम लोग नगर परिषद परिक्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में इस सदस्यता अभियान को अंजाम दे रहे हैं। आज पार्टी का सदस्यता लिए है सेक्टर समर्थन के साथ, पार्टी को मजबूत बनाने में मेरा सहयोग रहेगा। कितने सदस्यता? और गया में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं बिहार की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद हैं। लगभग 300 बच्चे हमारे जैक्सिन इंसेफ्लाइटिस से मर गए हैं और उसको चमकी बुखार के नाम पर कोई न तो देखने वाला है न तो हॉस्पिटल में व्यवस्था है। जिस गया की धरती पर हम लोग खड़ा हैं, आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को पता चला है कि शमशान घाट में जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं जुट रही। बिहार में इतनी मौत हो रही है और बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार जो यहाँ की जनता से अपनी बहुमत लेकर के सरकार बनाए हैं और सरकार बनाने के बाद जाकर के कुंभकर्णी दिन में सो गए, तो हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्टर के लोग
और राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस सरकार को कुंकर्णी नींद में नहीं सोने देंगे। उनको जगाने के लिए आपने जिस तरह से जनता के वोट लेकर के सरकार बनाया है, उसी तरह से जनता के प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। और आप अगर अपने जवाबदेही से भागते हैं तो हम लोग सड़क पर हैं और ये घंटी बजाने के लिए आए हैं, उनको सचेत करने के लिए आए हैं कि आप जागिए और देखिए बिहार की जनता मर रही है, उसको बचाइए, और नहीं बचाइएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ये सांकेतिक धरना। पटना में उपमेयर के खिलाफ नगर निगम का अविश्वासता जो प्रस्ताव होता है वो उसकी बैठक हुई, और आपको बता दें कि बैठक में नगर आयुक्त और मेयर सहित वार्ड के सभी पार्षद मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। कार में नहीं करते अगर मेरे ऊपर आज विश्वास का प्रश्न। अब तो माननीय पार्षद फैसला करेंगे कि हम रहेंगे कि हटेंगे। अब तो हम अदालत में पेश है जनता के पार्षद के, अब माननीय पार्षद को निर्णय करना है। अब तो वजह क्या हो गई, अब तो भाई जो लोग अविश्वास का प्रस्ताव लाए हैं वही बता सकते हैं। अब तो माननीय पार्षद। और पटना में जेपी सेतु पर एसएसपी गरिमा मलिक के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि एसएसपी ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस दौरान एसएसपी और एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अभियान जो है वो थ्रू आउट चलता ही रहता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग अलग जगह पर जा करके उसको जो है स्वयं वहाँ पर चेक करें ताकि एक सुदृढ़ता रहे और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहे। तो आज आकर के यहाँ पर जेपी सेतु में किया है, कुछ व्हीकल्स डिटेन हुई हैं, हम लोग आगे जो है उसमें पूछताछ करेंगे। पूरे जिला में चल रहा है अभियान, सभी वरीय पदाधिकारी जो हैं रोड की कुछ घटनाएं जो हैं वो उसको लेकर के कुछ जो है हम लोगों ने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, और उसमें जो है हम लोग जो अपने चेकिंग अभियान चलाते हैं जो औचक हम लोगों के चेकिंग होते हैं, तो उसमें उन सब एरियाज को टारगेट करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग जो है अच्छा जो है चेकिंग चलाएं। चेकिंग हम लोगों का डेफिनेटली मानना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है अपराध कंट्रोल का। अपराध कंट्रोल की तरफ जो है बचाने की तरफ हम लोगों का जो है एम्फोसिस रहता है, और साथ में उद्भेदन की तरफ भी। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। उधर गया में चौकीदारों ने वेतन की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें आपको कि अंचलाधिकारी से शिकायत की और इसके बावजूद चौकीदारों को 4 महीने तक वेतन नहीं मिला है, जिसके बाद आक्रोशित चौकीदारों ने प्रदर्शन किया है। और वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने पर आंदोलन भी किया जाएगा। हम लोग को परेशानी है कि 4 महीना से वेतन नहीं मिला है, और दूसर की बात है कि हम लोग का डाक लेके जाते हैं बाहर, जिसमें हम लोग को परेशानी है कि वेतन से हम लोग जाते आते हैं उसमें को पैसा नहीं मिलता है सरकारी, और जो है से कुछ आदमी के एरियल मिला है कुछ के नहीं मिला है, और एसीपी के लाभ हम लोग को नहीं मिला है। भाई बस 4 महीने से वेतन जो है सो नहीं मिला है, बहुत दिक्कत है हम लोग को। हम लोग का साथ है पढ़ाई लिखाई लेकर का दिक्कत है, खेती बाड़ी का है, आना पैसा फिलहाल दिक्कत है, बहुत रकम मजबूरी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आसमानों को, तो बैंकर सजा है ना, चाहे बैंकिंग हो या रेलवे या फिर SSC या TET, सभी है आसान जब बैंकर अड्डा का हो साथ। जहां मिलेगा आपको बेस्ट फैकल्टीज का साथ, जो देंगे आपको फ्री डेमो क्लासेस, वो भी 4 से 5 दिनों के लिए, स्टडी मटेरियल, स्पेशल 3D जनरल अवेयरनेस क्लासेस, डाउट क्लासेस, टेस्ट डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशन और GK GS के क्विज कॉम्पिटिशन और रेगुलर अपडेट रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट्स। तो देर किस बात की, जल्दी जाइए और पहुंचाइए अपने करियर को एक नई ऊंचाई तक। करियर पावर, बैंकर्स अड्डा, सेकंड फ्लोर, तिवारी कॉम्प्लेक्स, RPS मोर, रघुनाथ पथ, दानापुर, पटना। कॉन्टैक्ट करने के लिए डायल करें 8825371002 और मिले डायरेक्टर यदुनाथ सिंह से और बढ़ाए कदम सफलता की ओर। बिहार झारखंड के साथ साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे एंड्रॉयड लाइव टीवी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शंस हमारे टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शंस आपके टीवी स्क्रीन पे दिए गए हैं। खबरों से ज्यादा अपडेट रहने के लिए आप हमारे News 1 11 Facebook पेज को लाइक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस टीवी स्क्रीन पे हैं। बिहार झारखंड और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट news111.com पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे एंड्रॉइड लाइव टीवी ऐप को डाउनलोड जरूर करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट news111.com पर भी क्लिक कर सकते हैं। और ज्यादा अपडेट रहने के लिए आप हमें यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। छूना है आसमानों को, तो बैंकर सजा है ना, चाहे बैंकिंग हो या रेलवे या फिर SSC या TET, सभी है आसान जब बैंकर्स अड्डा का हो साथ। जहां मिलेगा आपको बेस्ट फैकल्टीज का साथ, जो देंगे आपको फ्री डेमो क्लासेस, वो भी 4 से 5 दिनों के लिए, स्टडी मटेरियल, स्पेशल 3D जनरल अवेयरनेस क्लासेस, डाउट क्लासेस, टेस्ट डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशन और GK GS के क्विज कॉम्पिटिशन और रेगुलर अपडेट रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट्स। तो देर किस बात की, जल्दी जाइए और पहुंचाइए अपने करियर को एक नई ऊंचाई तक। करियर पावर, बैंकर्स अड्डा, सेकंड फ्लोर, तिवारी कॉम्प्लेक्स, RPS मोर, रघुनाथ पथ, दानापुर, पटना। कॉन्टैक्ट करने के लिए डायल करें 8825371002 और मिले डायरेक्टर यदुनाथ सिंह से और बढ़ाए कदम सफलता की ओर।
और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इधर आपातकाल के 44 साल पूरे होने पर इसके विरोध में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में काला दिवस मनाया गया और इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। नारायण जी ने कहा 44 साल पहले की बात और ठीक ही कारण जी ने कि यहाँ बैठे अधिकांश लोग या तो समय पैदा नहीं हुए होंगे या पैदा हुए भी होंगे तो समय की आयु 10 साल 12 साल 15 साल की रही होगी। बड़ी पुरानी बात है, 44 साल पुरानी बात और हम लोग इसका सुधारा 25 जून को बार बार इसलिए करते हैं इस देश में फिर कोई इमरजेंसी लगाने की हिम्मत न कर सके और नई पीढ़ी को बता सके कि एक समय में इस देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुई थी, कांग्रेस का राज था और किस तरह से तानाशाही इमरजेंसी के नाम पर इस देश में लोकतांत्रिक तानाशाही पैदा करने का प्रयास किया गया। मित्रों, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो लगता था कि आजादी की लड़ाई में हमको योगदान नहीं, देश आजाद हुआ उसमें बहुत छोटे थे या पैदा नहीं हुए। एक मन में कसर थी कि अगर आजादी की लड़ाई के दौरान अगर हम पैदा हुए होती या युवा अवस्था में रहे होते हम लोगों को भी गांधी के साथ काम करने का मौका। बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर भोजपुर में ठग गिरोह ने ज्वेलरी दुकान से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें आपको कि पूरी वारदात तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। कस्टमर आया और बालिया टॉक्स मांगने लगा, उसको दिखा रहे थे सामान, उसी में जो है कि नहीं दराज खुलवाया, दराज खोले या दराज होने दिखाने लगे, उसी में जो है निकाल के देखने ही में निकाल के ले लिया। कॉर्नर के लिए हमको समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कर रहा है, इसे लगा तो हमको कोई चीज सुझा दिया या कुछ रुमाल टाइप हाथ में तो ऐसे से किया आगे। और अगली खबर गया से है जहां डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगा है इलाज के दौरान। और बता दें आपको कि मरीज अपने पैर का इलाज कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था, वहीं खुद को व्यस्त बताकर डॉक्टर ने मीडिया कर्मियों से मिलने से भी इनकार कर दिया और अपनी बातें भी नहीं रखी। वहीं परिजनों का कहना है कि लापरवाही इलाज में भर्ती गई है। और भारत नेपाल सीमा के जोगबनी बॉर्डर के मुख्य मार्ग पर जाम की समस्या को लेकर लोगों ने नागरिक मंच के तत्वाधान में चक्का जाम किया। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पथ निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। वहीं लोगों ने विभाग को 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। यहाँ का रोड का जर्जर स्थिति सबसे बड़ा मुख्य कारण है जाम करने का हम लोग का, और यहाँ जो जाम का समस्या है इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। आगे का रणनीति यही है, इससे पूर्व में भी एक साल पहले ऐसा धरना प्रदर्शन किया गया था युवा मोर्चा के द्वारा और यहाँ के नागरिकों के द्वारा, लेकिन वह उस समय प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया लेकिन कम्प्लीट नहीं किया गया। रोड नहीं है के कारण घट सकता है, इसके बदले हम लोग 72 घंटा पहले हम लोग अभी तक प्रशासन के कारण कोई जुड़ी नहीं। यहाँ का रोड। बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर मोकामा में ई रिक्शा चालकों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप भी लगाया कि नो एंट्री और बैरियर शुल्क के नाम पर ई रिक्शा चालकों को परेशान किया जाता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपकी मनमानी नहीं चलेगी। बैरियर को लेकर क्या परेशानी है आप लोग? बैरियर है कि हम लोग को 25 रुपए यहाँ देना पड़ता है, 20 रुपया इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 आपकी मनमानी नहीं।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। रुके और पूर्णिया में पुलिस ने एक आरोपी पति को और उसकी सगी बहन के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। जहानाबाद में नवजात बच्ची का शव को फेंका गया है, ऐसे एक शव मिला है। बता दें आपको कि शव को देखने से ऐसा लग रहा है कि उसे फेंका गया है यहां पर, और उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि शहर में चल रहे अवैध नर्सिंग होम कब तक आखिर पैसे लेकर इस तरीके का काम करते रहेंगे, और प्रशासन का डंडा इन अवैध नर्सिंग होम पर कब चलेगा। 5-6 महीना के बच्ची है, वो बच्ची लवारी अवस्था में है। उस लवारी अवस्था में हमने के जैसा टेम्पू चालक है, उसमें टेम्पू चालक सभी इस प्रकार के साथ सूचना मिला, उस सूचना मिलकर यहाँ उपस्थित हुए। इस उपस्थित होने के कारण हम अभी जैसा परिप्रेजेंट में देख रहे हैं सर कि जो बच्ची अवस्था है जो 5-6 महीना के है वो लवारी अवस्था। गया जंक्शन पर सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और अवैध तस्करी निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजित किया गया। बता दें आपको कि इस दौरान नशा से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। वहीं इस मौके पर सशस्त्र सीमा बल के द्वितीय कप्तान कमान अधिकारी समेत कई जवान उपस्थित रहे। स्टेशन पे चलाया गया नशा उन्मूलन जागरूकता दिवस। हर वर्ष की भांति इस बार भी 26 जून को मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य को देखते हुए हमारे कमांडेंट श्री राजेश कुमार 29 BN SSB के द्वारा हमें निर्देश दिया गया कि आप आज रेलवे स्टेशन गया में जाकर लोगों को नशा मुक्ति के लिए लक्ष्य के तहत आप उनको जागरूक करें। 100% सहयोग रहेगा जी। जी बहुत ही अच्छा मतलब कार्यक्रम है जी। और ऐसे भी SSB और रेलवे का तो मतलब सहयोग ऐसे भी हर एक मामले में होता है, तो इस विषय पर भी 100% जो होगा। रोहतास में बंद पड़े उद्योग समूह के जीर्णोद्वार के लिए सरकार ने 300 करोड़ का टेंडर जारी किया है। दरअसल सरकारी उदासीनता के कारण यह समूह बंद हो गया था। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार से और अधिक राशि की आवंटन करने की मांग की है। देखिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार शपथ ग्रहण के बाद ही ये कहा था कि पूरे देश में विकास की बयार बहेगी। उसी कड़ी में डेहरी के डालमिया नगर में एक रेल कारखाना स्थापित होना है जिसके लिए राइट्स ने भी टेंडर किया है। ये काम होने के बाद ये लगभग अनुमानित 600 करोड़ की लागत से यहाँ कारखाना लगना है। अगर किसी क्षेत्र में कारखाना लगता है तो उस क्षेत्र में तो निश्चित तौर पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहाँ का विकास भी होगा। आज तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब लिया था 300 करोड़ में, उस टाइम आज जगी थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसको जो है ये नहीं रहे, रेल मिनिस्टर नहीं रहे, तब से जो है ये अधर में लटका हुआ था। पहले तो ये क्या गया, यहाँ की सरकार जो अभी इंडिया की सरकार है कि 600 करोड़ रुपया जो है हम लोग दे रहे हैं बनाने के लिए ये कारखाना के लिए, लेकिन नहीं हुआ। आप तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। इससे तो जो है सेटअप आपको तैयार करने में 200-300 करोड़ रुपए में क्या काम होगा, आप बताइए ना। छोटा सा प्रोजेक्ट आप लगाते हैं तो अरबों रुपया खर्च होता है इसमें क्या। आरा में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन और शिक्षा मंत्री शामिल हुए। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं इस दौरान लालजी टंडन ने मौजूद छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया।
गया जंक्शन पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नशा दिवस की तरह इस तरीके से मनाया गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। जमशेदपुर में स्कूल चले चलो अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कार्यशाला के माध्यम से अधिक बच्चों के नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया और इस दौरान प्रखंड के बीडीओ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो कोशिश करेंगे उसके पहले शनिवार की, या वो भी शनिवार नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो अंतिम चले अभियान के तहत प्रखंड स्तरीय कार्यशाला है, जिसमें यह हम लोग का चर्चा का विषय है कि बच्चों का 100% नामांकन और 100% विद्यालय में ठहराव होना चाहिए और बच्चे छिजित नहीं हो। इस पर सभी मतलब की जनप्रतिनिधि के साथ साथ सभी जन जन तक यह संदेश देना है कि बच्चों को शिक्षा अति आवश्यक है, इसलिए सभी का नामांकन और स्कूल अनिवार्य रूप से। और गिरिडीह में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का उनका मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस की माने तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। एक पूनम देवी नाम की महिला की फांसी लगाकर की आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों का हम लोग पता कर रहे हैं। वर्तमान में हम लोग के द्वारा शव को तो फिलहाल खबरों का इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonlabor.com पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे एंड्रॉइड लाइव टीवी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार।